टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, स्क्वायर थ्रेड्स, ये जो थ्रेड है जो पीच है वो है पी। सो हाइट ऑफ द टीथ जो होगा वो है पीच बाई टू इज इक्वल टू पी बाई टू। और ये जो थ्रेड है ये कंपेयर टू अदर थ्रेड्स मोस्ट एफिशिएंट है, और इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से। सो इसको मैन्युफैक्चर करना काफ़ी डिफिकल्ट है, और इसका यूज होता है स्क्रू जैक, क्लैंपिंग डिवाइस एंड प्रेसेस पे। ट्रापीजॉइडल थ्रेड, इसका जो थ्रेड एंगल है वो है 30 डिग्री, और इसका जो हाइट ऑफ द टीथ है वो है पी बाई टू। और ये जो थ्रेड है ये लेस एफिशिएंट है कंपेयर टू स्क्वायर थ्रेड, और इसको मैन्युफैक्चर करना काफ़ी ईजी है क्योंकि इसको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल जैसे कि थ्रेड मिलिंग मशीन पे मशीनिंग किया जाता है। और लेट स्क्रू ऑफ द लेथ जो है वो एक ट्रापीजॉइडल थ्रेड है। एक्मी थ्रेड, एक्मी थ्रेड पे जो थ्रेड एंगल है वो है 29 डिग्री। एक्मी थ्रेड एक तरह का ट्रापीजॉइडल थ्रेड ही है। बटरेस थ्रेड, ये जो थ्रेड है इसका थ्रेड एंगल है 45 डिग्री एंड हाइट ऑफ द टीथ है 0.75 पीच। और ये जो थ्रेड है ये मोर एफिशिएंट देन ट्रापीजॉइडल थ्रेड बट लेस एफिशिएंट देन स्क्वायर थ्रेड, और इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल जैसे कि थ्रेड मिलिंग मशीन पे। सो इसको मैन्युफैक्चरिंग करना ईजी है, और ये जो थ्रेड ट्रांसमिट करता है पावर सिर्फ वन डायरेक्शन पे, और इस तरह का थ्रेड वाइसेस एंड लाइट स्क्रू जैक पे यूज होता है। विथ और थ्रेड्स, ये जो थ्रेड है इसका थ्रेड एंगल है 55 डिग्री, और इसको ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ और थ्रेड कहा जाता है जो कि BSW थ्रेड है। टर्मिनोलॉजी ऑफ पावर स्क्रू, एक डबल थ्रेडेड स्क्रू है जिसका डी जो है नॉमिनल डायमीटर जिसको मेजर डायमीटर और क्रेस्ट डायमीटर भी कहा जाता है, और DC जो है वो है कोड डायमीटर जिसको माइनर डायमीटर भी कहा जाता है, और DM जो है वो है मीन डायमीटर जो कि हाफ ऑफ D प्लस DC है। P जो है वो है पिच, और L है लीड, और अल्फा जो है वो है हेलिक्स एंगल। सो 10 α इज इक्वल टू L बाई पाई DM। फोर्स रिक्वायर्ड फॉर लिफ्टिंग लोड इन पावर स्क्रू, ये जो लोड है इसको लिफ्टिंग किया जा रहा है, तो इस कंडीशन पे इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा इसमें अल्फा जो है हेलिक्स एंगल, W है वेट ऑफ द लोड, P है अप्लाइड फोर्स, N है नॉर्मल फोर्स, और F जो है वो है फ्रिक्शन फोर्स। और इसका जो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड वर्टिकल फोर्स वो है 0। सो इसका अप्लाइड फोर्स विल बिकम P इज इक्वल टू W टेन फाइव प्लस अल्फा, फाइव है फ्रिक्शन एंगल, अल्फा है हेलिक्स एंगल। सो जो टॉर्क बनेगा वो है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इज इक्वल टू W टेन फाइव प्लस अल्फा एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू मीन डायमीटर जो कि DM बाई 2। सो टॉर्क विल बिकम W टेन फाइव प्लस अल्फा इंटू DM बाई 2। फोर्स रिक्वायर्ड फॉर लोअरिंग द लोड, अगर इस लोड का डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा जिसमें अगर इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड वर्टिकल फोर्स का समेशन 0 किया जाए तो इस पे जो अप्लाइड फोर्स है वो बनेगा W टेन फाइव माइनस अल्फा। सो इस कंडीशन पे इसका जो टॉर्क बनेगा वो है W टेन फाइव माइनस अल्फा इंटू DM बाई 2। सेल्फ लॉकिंग स्क्रू, टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर लोअरिंग लोड, P इज इक्वल टू W टेन फाइव माइनस अल्फा DM बाई 2। फर्स्ट केस, इफ फाइव ग्रेटर देन अल्फा देन T विल बी पॉजिटिव। सो इस कंडीशन पे टॉर्क नेसेसरी है लोड को लोअर करने के लिए। सो ये जो कंडीशन है ये सेल्फ लॉक्ड कंडीशन है। केस टू, इफ फाइव लेस देन अल्फा देन T विल बी नेगेटिव, और इस कंडीशन पे लोड जो है वो ऑटोमेटिकली लोअर डाउन हो जाएगा। सो ये जो कंडीशन है ये नॉट सेल्फ लॉक्ड कंडीशन है। कंडीशन फॉर द सेल्फ लॉकिंग स्क्रू इज फाइव मस्ट बी ग्रेटर देन अल्फा। सो बोथ साइड टेन से ऑपरेशन किया जाए, सो टेन फाइव ग्रेटर देन टेन अल्फा, एंड फाइव जो है वो है फ्रिक्शन एंगल, एंड टेन फाइव जो है वो है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड जो टेन अल्फा है वो एल बाई पाई DM है। सो म्यू ग्रेटर देन एल बाई पाई DM। एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू, एफिशिएंसी ऑफ द पावर स्क्रू इज टेन अल्फा बाई टेन फाइव प्लस अल्फा, एंड फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इट विल बी वन माइनस साइन पाई
by 1 plus sin phi. Efficiency of a cell blocking screw must be less than 50% and efficiency of a overhauling screw greater than 50%. First question, the thread angle in Acme thread is 29 degree. For a screw, alpha helix angle, L lead and D dia, then tan alpha is equal to L by pi D. Which of the following is a trapezoidal thread? Acme thread is a trapezoidal thread. The efficiency of a self-locking screw is less than 50%. Condition for the self-locking screw is phi greater than alpha, tan alpha greater than L by pi D, mu greater than L by pi D. So all of these. Acme thread can be used for screw cutting length. The efficiency of a power screw is tan alpha by tan alpha plus phi. Maximum efficiency of the square threaded power screw is 1 minus sin phi by 1 plus sin phi. A bench vise has the following type of threads, that is buttress thread. दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।